दशहरे के दिन रावण दहन की प्रथा को पूरे भारतवर्ष में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली वालों के लिए मौका और भी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 10 में दुनिया का सबसे बड़ा रावण दहन होने वाला है। कहा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए कई महीनों से कारीगर दिन रात काम कर रहे थे, और वहीं इसको बनाने की लागत भी लाखों में बताई जा रही है। इसके बारे में और भी जानने के लिए हमने बात की द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गहलोत से। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से क्या क्या बताया। मैं राजेश गहलोत हूं और यहां से पूर्व विधायक भी हूं मटियाला विधानसभा से। यहां पर द्वारका रामलीला सोसाइटी के जिस प्रांगण में आप खड़े हैं सेक्टर 10 में, इसका मैं चेयरमैन हूँ और मुख्य संरक्षक हूँ। आप कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रावण जो है वो इस बार सेक्टर 10 इस ग्राउंड में बना है, क्या हकीकत है सर इसकी? आपके सामने है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, जिसकी हाइट 211 फुट रखी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत भी उतना ही बड़ा होता है। आप जानते हैं कि द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी हर बार कुछ ना कुछ नया करती है। इस बार रावण का पुतला 211 फीट का है और ये पूरा लोहे के स्ट्रक्चर पे बनाया है। इसको वेलवेट कपड़े से बनाया गया है। इसका मुख जो है वो फाइबर से तैयार किया गया है और 4 महीने इस पुतले को बनाने में लगे हैं। लगभग 40 कारीगरों ने इसको तैयार किया है। हमारा जो मंच है वो भी भगवान श्री राम का वो मंदिर है जो विध्वंस से पहले का था, उस मंच को इस बार दिखाया है। पिछली बार नए राम मंदिर का चित्र दिखाया था। आप जितने भी द्वार देख रहे हैं, हमारे द्वार भी जो हैं वो गोपुरम की तर्ज पर, दक्षिण भारत के जितने बड़े मंदिर हैं उनकी तर्ज पर हमारे द्वार बनाए गए हैं। यहाँ पर 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और शाम के समय ऐसा प्रांगण होता है जैसे भगवान श्री राम द्वारका के रामलीला इस प्रांगण में खुद उतर के आए हैं और अपनी लीला दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 30 लाख के आसपास का जो है वो ये रावण है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पैसा खर्च हुआ है इस पर रावण? 30 लाख रुपए से ऊपर इसके ऊपर खर्चा आया है। इसके साथ साथ यहाँ 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है, 10,000 लोगों की पार्किंग की व्यवस्था की है। यहाँ पर आसपास के तमाम इलाके में एक ऐसा वो है कि लगातार 20-30 हजार लोग तो दिन में वीडियो बना के ले जा रहे हैं। 5 करोड़ लोग इस समय इंस्टाग्राम पे इस रावण को देख चुके हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सुंदर, बेहतर और भगवान राम के उन आदर्शों को हम आम जनता तक पहुंचाने का काम करें, जो इस भौतिक युग में सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, भगवान राम के आदर्शों को। सर, पटाखे जो है हमेशा से बैन रहते हैं दिल्ली में, इको फ्रेंडली में किस पटाखे इको फ्रेंडली होगा सब? प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ। प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ पर पिछले वर्ष भी हमारे बीच में आए थे, उससे पहले भी हमारे बीच में आए थे, हमें आशीर्वाद दिया था। निमंत्रण हमने प्रधानमंत्री जी को और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सबको भेजा है, जिनका भी आशीर्वाद मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल पाए। निमंत्रण हम भेज चुके हैं, अभी उनके यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। और कितने बजे यहाँ पे जो है शाम को रामलीला शुरू हो जाती है, क्या? ठीक 8 बजे रामलीला यहाँ पर शुरू हो जाती है और रात 12 बजे समापन होता है। दशहरे के दिन 5 बजे से रावण दहन का कार्यक्रम होगा, 5 बजे से शुभ मुहूर्त है और 7-8 बजे तक रावण दहन रहेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।